बिहार में जल्द ही एक और पुल का निर्माण किया जाना है। बता दें कि इस पुल का निर्माण गंगा नदी पर किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत बेगूसराय जिले में मटिहानी और सामहो के बीच गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर चयन किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा DPR को मंजूरी देते हुए निर्माण कार्य के लिए आगे की कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। बताते चले कि इस पुल को बनाने के लिए जिस एजेंसी का चयन किया जाएगा उसके लिए टेंडर नवंबर तक जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही मिली खबर के अनुसार इस पुल का निर्माण कार्य नए साल के शुरुआत के साथ ही शुरू हो सकता है। सरकार के द्वारा इस पुल को बनाने का समय 5 साल निर्धारित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पुल बिहार का ऐसा नौवां पुल है जिसका निर्माण गंगा नदी पर किया जा रहा है। इससे पहले बिहार राज्य में गंगा नदी पर 8 पुलों का निर्माण हो चुका है या हो रहा है। इस पुल के निर्माण में करीब 4,900 करोड़ रुपए के लागत को लगाया जा रहा है। इस पुल के निर्माण होने से उत्तर बिहार और झारखंड सहित उड़ीसा की दूरी भी करीब 76 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं इस पुल को लेकर योजना बनाई गई है कि इस पुल को आगे बढ़ाकर NH 31 और NH 80 तक मिलाया जाएगा। इस पुल के अलाइनमेंट में छोड़ा, बहादुरपुर, हंसपुर, बल्हपुर, अकबरपुर, बिजुलिया, लोधाना, सामहो, कसोई, अली नगर, रत्नपुर, पलथुआ, पवई और उड़ैन शामिल होंगे। इस पुल के निर्माण को लेकर सरकार की ओर से करीब 185 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित NHAI ने परसरमा से अररिया तक NH 327E की चौड़ाई बढ़कर उसे 4 लेन करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर चयन किया है। अगर NH 327E के अररिया से परसरमा तक का चौड़ीकरण 4 लेन में कर दिया जाता है तो इससे लोगों को सुपौल, मधेपुरा, अररिया, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जैसे जिले जाने के लिए 80 किलोमीटर की दूरी की बचत होगी। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसके DPR बनाने के लिए मंजूरी दी गई थी। फिलहाल यह सड़क अभी NH के 2 लेन पेड शोल्डर के आधार पर बना हुआ है, लेकिन ऐसी संभावना है कि भविष्य में इस पर यातायात का भारी दबाव बढ़ सकता है। इन्हीं भविष्य की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है ताकि आगे चलकर लोगों को सड़क की वजह से किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।